एक बार में अपनी जायदाद देके चलिए। रोग हरा हारा हरि प्यारा। तो गुड मॉर्निंग, आज की शुरुआत हो रही है हमारे होम स्टे के टेरेस से, जिसका आपने अभी एक छोटा सा क्लिप देखा होगा। -26 हो रहा है आज टेम्परेचर, और हाँ फील भी हो रहा है -26। ये -20 की जैकेट है, ये भी थोड़ी फेल होती हुई नज़र आ रही है। आज हम करने वाले हैं काजा की लोकल साइट सी, मतलब लांगजा जाएंगे, किम जाएंगे, की मोनेस्ट्री जाएंगे, ये सब यहाँ से पास पास में ही हैं 20 किलोमीटर्स के रेडियस में। जैसा कि आप देख सकते हो पूरी पूरी भड़ा भड़ भाप निकल रही है मुंह से। मेरे दोस्त तो भाग गए नीचे क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे, बट मैं रुको क्योंकि ब्लॉग की स्टार्टिंग इससे सुंदर जगह कहाँ हो सकती है। तो इसलिए इन वाले ब्लॉग में शायद ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि हाँ बहुत सुंदर व्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इन्जॉय करो मेरे साथ वही सारे व्यूज़ इन्जॉय करना। जाने से पहले एक थम्स अप मार देना, शेयर कर देना वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्त भी मोटिवेट हो कि जाना है। सब दोस्तों के साथ में स्वीति, उनको शेयर कर देना है ब्लॉग। बस्ता वस्ता टांग के फुल रेडी होके हम निकल रहे हैं। अब इंडिया का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, वर्ल्ड का, इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप था ये जो अभी आपने देखा। इसके सामने एक आई लव स्पीति का भी बोर्ड है, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज आती है जो हम लौट के आके खिंचवाएंगे। तो बस बाकी एंजॉय करो। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन पानी है जो जमा हुआ है, हम कार में कल रात को भूल गए थे पानी, अब ये पानी नहीं रहा, बर्फ है। बहुत तेज हवा चल रही है, हम पहुंच गए लांगजा। ये रही वो मूर्ति, ये रहे हमारे लड़के जाते हुए। हवा का अंदाजा इससे, जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने स्पेसशिप कैफे में बैठ के खाया था। मैं फोटो डाल दूंगा, बाकी इंस्टाग्राम पे मेरी फोटोज डली हुई है इस वाले की, इधर पे चाय पीते हुए की मैगी खाते हुए। तो जाओ जाके फॉलो करो apoor.raj.malik पे इंस्टाग्राम पे, और देखो क्योंकि मैं इधर से स्टोरीज भी डालता जा रहा हूँ। अभी और आगे ट्रिप्स लाइंड अप है उधर की स्टोरीज देखना, बाकी अभी यू एंजॉय। फोटो खिंचवा के लड़के इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। विंड स्पीड देखता हूँ, देख विंड स्पीड देख, नहीं देखो मोबाइल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही बढ़िया, ये फटी पड़ी है इनकी। हम निकल गए लांगजा से बहुत ही तेज हवाओं का सामना करने के बाद। अब कहाँ जा रहे हैं सनी भाई? अब जा रहे हैं कॉमिक, अब जा रहे हैं कॉमिक विलेज। वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे आपको कैसे, अभी यहाँ के नज़ारे जाते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरे पहाड़ बर्फ में ढका हुआ है, थोड़ा दूर दूर पर, पास वाले नहीं है, जा रहे हैं बस खाते रहेंगे।
हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड विलेज कॉमिक। हम पहुंच गए कॉमिक विलेज। हम खड़े हैं थोड़ा ट्रैक करके ऊपर आके। ये है पूरा कॉमिक, ये और ये जमी हुई हल्की सी बर्फ पूरा। ये बैठे हैं तीनों लड़के, बहुत ही ज़्यादा सांस फूल गई ऊपर आते आते। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, बट व्यू बहुत अच्छा है। बाकी जाके ये दिखता है, यहाँ पे सारे झंडे लगे हुए हैं। बैठे हुए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में कॉमिक। बाकी यहाँ सब लोग आके फोटो लेते हैं। हम नहीं ले रहे हैं, लेंगे मतलब, वो आपको दिखेगी इंस्टाग्राम पे। बहुत ही खतरनाक सर्दी, तेज हवाएं, टू मच। पहाड़ों के बीच बना हुआ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। वो रहा है किम, हम जा रहे हैं फुल शॉर्टकट से रोड वहां पे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। पहले थोड़ा पीछे हुआ करता था, पर अब शिफ्ट होके यहाँ पे हो गया। यहाँ पे बहुत भीड़ भी दिख रही है। हिक्किम में है ये। पहले हम कॉमिक में थे, अब हम हिक्किम पहुँच गए। यहाँ से देखते हैं कुछ चिट्ठी विट्ठी डालेंगे क्या, लास्ट टाइम जो आया था डाली थी। ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, पहले ये नहीं होता था। लास्ट टाइम आए थे, अगर कोई फोटोज मिलेंगी तो डाल दूंगा। उधर उस तरफ होता था, उधर कहीं, और फिर नीचे से जाना पड़ता था पूरा। ये आके अदाएं दे रहे हैं हमारे व्लॉग के बीच में। कोई बात नहीं, अच्छा वो देखो सटा सट। अबे लेट रहे हैं, अबे गिर रहे हैं। यहाँ से पोस्ट डालो ना, तो जो डाकिया होता है वो भी गाली बक के ही देता है घर पे कि बहन कागज दिया इन्हें घर ले जाने के लिए। क्या चाहिए तेरे को? वहाँ से ले क्या रहा है? डालेगा क्या? अपने हाथ काट के डाल देगा उसमें। अरे देखो इस तरफ मैसेज लिख दो, उस तरफ देता हूँ मम्मी पापा, ज्यादा पैसे भेजे यहाँ पर कमी पड़ रही मेरे को पैसे। जितने आते हैं ना वो भी तो मैं पालूंगा। कोई नहीं मेरे लड़के, काम कर रहा हूँ। फुल डेडिकेशन से आरजीपीवी का पेपर लिखते हुए नैन रंग डाल फोर मरवा मादर चोदे। अरे यार तुम, हम अपना फटाफट ये लांग लगा वो लेके लिख के तैयार हो गए। लास्ट टाइम भी लिखा था पहुंच गया था, हमेशा नहीं पहुंचता है, कोई गारंटी नहीं होती है पहुंचने की, बट पहुंच जाना चाहिए तो बेटर रहता है। बाकी इधर की मैगी खाते हैं, इधर की मैगी बहुत बढ़िया होती है। ये हमारे शुभम भाई खड़े होकर लिख रहे मैसेज अपनी दिखाते हुए। शुभम इधर पलटना। बड़ी मुश्किल से लिखा है, हाथ नहीं चल रहे यहाँ पे पेन हिलाने के लिए। घर का एड्रेस नहीं पता, आधार कार्ड से लिख रहा है। भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग आओगे तो लेने आ जाऊंगा, एड्रेस क्या बताऊंगा। तो इनको अपना एड्रेस याद नहीं है। याद है पर ऐसे इंस्टेंट याद नहीं कहा। अजय जो हमने लिया वो लेना पड़ता है। इधर जाओ स्टैंप लगवाओ डाल दो। पहले क्या होता था ना,
पहले जब उधर पे होता था तो कार्ड एक जगह से लो छोटी दुकान से, लिखो उस पे, नीचे जाओ स्टैंप लगवाने, फिर ऊपर आओ फिर डालो। ये नहीं होता था, ये डब्बा तो नया बना है। इधर होता था दूर जहाँ से वो गाड़ी आ रही है, दिख नहीं रही। ये देखो ये जंगली भेड़, देख रहे हो इनके सींग कितने तेज बड़े बड़े हो रहे। रुकना, अरे रुको थोड़ा। ए मटन की मॉनेस्ट्री। आपने सिनेमैटिक शॉट्स देख ही लिए होंगे। तो अभी एक जगह और ऊपर ट्रैक करके जाना होता है जहाँ से सब लोगों की वीडियोस आपने देखी होंगी, वो बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ से की मॉनेस्ट्री। बाकी ये देख लो, ये अंदर से ऐसी दिखती है, वो खड़ी है हमारी गाड़ी। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी आ रही है, करके आते हैं फिर मिलेंगे। अब हम एक चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं, सांस फूलने लगी अभी से, जाके देखते हैं क्या सीन है। वो वाला रास्ता तो समझ नहीं आया, अभी दूसरे रास्ते जा रहे हैं। यहाँ पे शायद पत्थर गिरते रहते हैं और ये छोटे छोटे पत्थर, तो शायद वाला रास्ता मिल नहीं रहा, वरना पहले क्लियरली दिखता था एकदम। अब ये दूसरा छोटा सा रास्ता दिख रहा है, देखते हैं इस पे जाके कैसा व्यू आता है। ये था, अरे अच्छा व्यू नहीं आ रहा, तो हल्का सा ऊपर और जा रहे हैं उस वाले व्यू की तलाश में। सांस फूल जाती है यहाँ पर, ऑक्सीजन नहीं होता ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, वरना तो ऐसी चढ़ाइयाँ जंप मार मार के चढ़ी। फुल सांस फूल चुकी है, चल रही है, सब बैठे हुए यहाँ पे फटी फटी में। ऊपर से और अच्छा दिखता है ऐसा। हमारे इसलिए देखिए सब पूरा स्नो में ढका रहे, बट इस बार बर्फ लेट हो गई, वरना इतना ऊपर जाते जा रहे हैं ऑक्सीजन कम हो रही है, हवा तेज हो रही है। हम दोनों फुल सांस फूले बैठे हो रहे, हमारे दो सगी साथी गए नीचे, ये कपड़े बदल रहे हैं, ये बदल रहा है। हमारी फोटोग्राफी की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, पर हमारे साथ वालों की नहीं हुई है पूरी। जैसा कि आप मेरे ये भालू के बाल उड़ने से पता लगा पा रहे होंगे, कितनी तेज हवा है, -15 की हवा है, ऐसी तैसी हो गई है। सांसा नहीं आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ रहे हैं, जिंदा है वो इस सूंघ के। और ये देखो हाथ कैसे सो रहे हैं, बिल्कुल उनपे क्रीम में डोप पी लो तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये मत बोलना कोई कमेंट में कि क्रीम लगा लो, और क्रीम लगाई दे, बहुत शानदार है, पर यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। कुछ वो लगा देनी चाहिए रोप पे, वो पे बढ़िया रहेगा।
कोई नहीं, इधर से इधर वीडियो करूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। यहाँ बैठ के बढ़िया खाएंगे, जो भी मिलेगा दिखाता रहूँगा, खा रहे होंगे बढ़िया चारों लौंडे बैठ के। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ का स्पेशल थुपका, वो वाला गाना हिमाचल वाले, हिमाचल में बहुत फेमस है, माही को बहुत पसंद है थुपका, बट उसको कभी अच्छा मिला नहीं। माही तेरी तरफ से खा लेता हूँ। यहाँ का होटल रेस्टोरेंट, यहाँ ना ना एक बार में अपनी जायदाद देके चले, इतना सा सैंडविच टट्टी वो 230 रुपए का, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, मतलब आधा इतना सैंडविच, ठीक है 60 रुपए का मिलता है, हमने कहा होगा 50-60 रुपए का, हम भरे गए भरे गए, बहुत ज्यादा हो गया था, है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेट को कुछ आराम मिला, भूख लग रही थी तो चलता है इतना तो, वैसे भी हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं, करेंगे अभी दिल्ली में जाके खर्चा, ठीक है। बाकी अब निकल रहे हैं चीचम ब्रिज के लिए, अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाए फटाफट तो मज़ा आ जाएगा। बाकी ऑल्टो है, बहुत चलती है, अभी भी आ रही है, हॉर्न दे रही है इसकी बहू का। ये है व्यू की मॉनेस्ट्री के पीछे, ये लड़के फुल स्पीड में उतरता हुआ है क्योंकि सर्दी लग रही है। टाइम भी आ जाएगा अपना, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी ये चीचम ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, ये लिखा है चीचम ब्रिज। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरी और अरुण भाई की एक वीडियो है इसी ब्रिज पे, वो मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के साथ में, उसकी छोटी सी क्लिप, तो वो देख लेना। उस टाइम व्लॉग नहीं करता था बट शौक था स्टार्टिंग से, तो ऐसे ही थोड़ा सा करूंगा, तो देख लेना वो। भाई ऐसा मत करो ना भाई। ये है अरुण भैया, हेलो भाई जी। ये आए हैं, जगह का नाम बता भूल गया मैं, चीचम ब्रिज। ये ब्रिज से व्यू इतना बढ़िया है, और ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज है एशिया का। यहाँ का व्यू देखो, पीछे से स्नो भी दिखती है, कहाँ गई ये रही, ये सामने चीचम गांव, ये चीचम गांव है। इतनी भीड़ थी है, इतनी ठंड थी, इतनी तेज हवा थी, सर दर्द होने लगा क्या भैया, बहुत ठंड है भाई यहाँ पर। फटाफट गाड़ी में आके व्लॉग कर रहा है, बच्चे इंस्टाग्राम पे देख लेना, शुभम की फोटो। ठंड भाई, ठंड बहुत ज्यादा, ये देखो जब देखे तो बताना, ऐसा होता है यहाँ पे इतनी सर्दी हो रही है, लोग यहाँ पे आके बेंचों पे कंबल ओढ़ के बैठे हुए। अरे सुन लिया क्या, हटा के हट गई, अछा अब रील टाइम हो गया है, और भी अभी देखो ये कुछ करतब करके दिखाएगा बेहतरीन, कर 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 एक दो तीन, अरे पाट। अब वहां चीचम ब्रिज से निकल के पहुंच गए काजा, काजा में ये रहा बोर्ड, आई लव स्पीति का, आई तो रियली लव स्पीति, मेरा दूसरा ट्रिप है, तीसरे का मैं प्लान अभी से ही बनाने लग रहा हूँ। बस अभी यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे, फिर होम स्टे में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए, पीछे वाले तो सारे सो गए थे, मैं आगे बैठा हुआ था,
मैं भी ऐसे ऐसे झपके ले रहा था। तो बस आज का व्लॉग यहीं समाप्त। जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ और उनके साथ भी नई ट्रिप बनाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। I'm 29 and I find myself